शहीदों के परिजनों व पूर्व सैनिकों में खुशी का माहौल। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा पाकिस्तान में हुई कार्रवाई को लेकर जिले में शहीदों के परिजनों में खुशी का माहौल है। शहीदों के परिजन इस कार्रवाई से काफी खुश हैं और इसे समय पर लिया गया बदला मान रहे हैं। शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों से इस कार्रवाई को लेकर बात की गई। कारगिल में शहीद हुए राजेंद्र यादव की विधवा ललिता देवी इस कार्रवाई से बहुत प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि इतने दिनों बाद अब वे महसूस कर रही हैं कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी कार्रवाई सरकार नियमित तौर पर करती रहेगी। लालती देवी का कहना है कि भारत ने अब दिखा दिया है कि अब हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालों से वे इसी उम्मीद में थी कि सरकार कुछ करेगी। इस कार्रवाई से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई आगे भी करने की जरूरत है। वहीं शहीद राजेंद्र के पुत्र रजत ही सेना की इस कार्रवाई से काफी खुश हैं। ऊंचाहार के खरौली निवासी सुरेंद्र यादव भी बीएसएफ में सेवारत थे। कश्मीर में 2004 में वे पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए थे। उनकी विधवा और बेटे भी सेना के इस कदम से काफी प्रसन्न हैं। उनका कहना है, देश की सेना पर सभी को भरोसा है, तभी यह संभव हो पाया है। पूर्व सूबेदार मेजर राजकुमार सिंह ने भी कहा कि यह बहुत जरूरी था और सेना ने पूरी रणनीति के तहत कम समय के अंदर इसको अंजाम दिया है। पूरी भारतीय सेना, आम जनमानस और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत यह संभव हो सका है।